हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिकेट्स के अकॉर्डिंग मूवीज़ की डिटेल निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हमने टास्क टू में हर एक मूवी की डिटेल निकाली है। बट हमने टास्क टू में क्या किया था कि जो ईयर है उस ईयर में कौन कौन सी मूवीज़ बनी है उस मूवीज़ की डिटेल निकाली थी। बट जो हमारा अब टास्क थ्री है इसमें हमें इस तरीके से मूवीज़ की डिटेल निकालनी है। जैसे 1960 है तो 1969 तक कौन कौन सी मूवीज़ बनी है उन सभी मूवीज़ की सेम उसी तरीके से सेम डिटेल होगी जो हमने टास्क टू में निकाली थी। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिखा हुआ है। तो जो मेरा एक बार टास्क टू है उसका मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ कि उसका सोल्यूशन क्या है और उसी का यूज़ करके हम किस तरीके से टास्क थ्री का सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये मेरे टास्क टू का सोल्यूशन है। ये एक बड़ी सी डिक्शनरी है और इसमें 1971 में हमारी कौन कौन सी मूवीज़ बनी थी उसकी डिटेल दी हुई है। और अब हम सेम इसी सोल्यूशन का यूज़ करके अपने टास्क थ्री का सोल्यूशन करेंगे। तो मैं इसको फिर से अनकमेंट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जो मेरा ये वाला फंक्शन था जो मैंने अभी प्रिंट कराया उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया और इसके अंदर स्टोर करा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ग्रुप बाय टिकट नाम का एक फंक्शन फिर से बनाया और मूवीज़ नाम का पैरामीटर और जिसका आर्ग्यूमेंट मैंने क्या दिया, ये डेक आर्ग्यूमेंट यानी टास्क टू का पूरा सोल्यूशन यहाँ इस आर्ग्यूमेंट में दे दिया मैंने। तो इस वाले आर्ग्यूमेंट में मैंने दे दिया। तो ये जो मूवीज़ डेक नाम की एक मैंने खाली डिक्शनरी बनाई, उसके बाद एक लिस्ट वन नाम की मैंने खाली लिस्ट बनाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर इंडेक्स इन मूवीज़ यानी जो ये मेरी मूवीज़ है यानी मेरे जो टास्क टू का सोल्यूशन था उस पर मैं लूप चला रहा हूँ। तो इस और उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, एक मोड नाम का वेरिएबल है उसमें क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स मोड y10 कर रहा हूँ मैं। तो यानी सपोज़ जो मैं ये यानी जो ये मेरा पैरामीटर है मूवीज़, तो ये टास्क टू पर मेरा लूप चल रहा है तो इससे क्या होगा, एक एक की आएगी इसकी। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। इंडेक्स यानी सबसे पहले मान लेते हैं 1973 ईयर आया एक हमारा 1973 एक यानी हमारी एक की आई इस मूवीज़ की और क्या किया हमने, उसको मोड कर दिया 10 से यानी क्या हुआ, अब हमारे मोड की वैल्यू क्या हो गई, 3 यानी इसका रिमाइंडर 3 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ कि मोड इक्वल क्या कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स यानी मेरा क्या था 1973 ये मेरा इंडेक्स है और मैं माइनस क्या कर रहा हूँ मोड को, यानी मैंने जब इसको माइनस कर दिया तो मेरा आंसर क्या हुआ 1970। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ डिकेड नॉट इन लिस्ट। तो जब इस तरीके से मेरा इस वाले प्रोसेस में इन दो प्रोसेस से मेरा डिकेड जब बन जा रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट वन के अंदर अपेंड करवा दे रहा हूँ। तो जब मैं अपेंड करवा दूंगा और इसमें एक और कंडीशन है नॉट इन लिस्ट, तो इससे क्या होगा, मेरा कोई भी डिकेड रिपीट नहीं होगा इस लिस्ट वन के अंदर। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा दे रहा हूँ इसको लिस्ट को, मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे। प्रिंट लिस्ट वन और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉर्ट भी करवा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने डिकेड बनाया। तो ये हमारे डिकेड है। सबसे पहले क्या हुआ, मैंने लिस्ट को प्रिंट करा दिया, उसके बाद सॉर्ट करके उनको एक ऑर्डर में मैंने लिस्ट में अपेंड करा दिया यानी अब ये एक ऑर्डर में हमारी लिस्ट बन गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद जो फिर से मैंने जो अभी मैंने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट पर मैं लूप चला रहा हूँ और ये जो मूवी डेक नाम की मैंने एक खाली ये बनाई थी डिक्शनरी
उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, की क्रिएट कर रहा हूँ, और उस की वैल्यू क्या है, खाली लिस्ट। इस तरीके से जब मेरा लिस्ट वन पर लूप चला तो क्या हुआ, मूवी डेक यानी जो मेरी पहला ईयर आया वो एक की बना, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी एक वैल्यू खाली लिस्ट हो गई। उसके बाद इसको मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो ये खाली डिक्शनरी बन गई है, और ये हमारे डिकेट्स हैं, और उस डिकेट्स की वैल्यू अभी खाली लिस्ट है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मैंने क्या किया, फिर फॉर आई इन मूवी डेक यानी जो अभी मैंने डिक्शनरी बनाई उस पर लूप चलाया, और फिर मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगाई है डिकेट। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डिकेट मतलब जिस भी नाइन, जैसे हमारा जो भी डिकेट होगा उस डिकेट से लेकर उसमें प्लस नाइन तक के हमें जो भी मूवीज़ की डिटेल बनी है उसकी हमें मतलब जितनी भी मूवीज़ बनी है उसकी हमें डिटेल चाहिए। तो ये फॉर एक्स मैंने क्या किया है, डेक टेन नाम का एक वेरिएबल बनाया, और आई यानी जो मेरा एग्जाम्पल में यहाँ पर सबसे पहले यानी जो यहाँ पर मेरा वो सारे डिकेट हैं, तो डिकेट में क्या हुआ, 1950 आया, पहले एग्जांपल में मान लेते हैं 1950 आया और मैंने प्लस 9 किया, तो इस डेक 10 की वैल्यू क्या हो गई, 1959। और उसके बाद फॉर एक्स इन मूवीज़, जो ये फॉर एक्स इन मूवीज़ है यानी जो मेरा टास्क 2 का सलूशन है, इसको मैंने क्या करा, उसकी की आई, और जब वो उसकी की आई फिर उसके नीचे एक कंडीशन मैंने लगाई, इफ़ एक्स छोटा है या डेक 10 के बराबर है, और उसके साथ एक और कंडीशन है, अगर मेरा एक्स बड़ा है और या फिर उसके इक्वल है आई के, यानी मेरा जो 1950 है उसके बराबर हुआ या उससे बड़ा हुआ, जब ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हुई, एग्जांपल में जैसे मानते हैं मेरा जो डेक 10 है यानी ये एग्जांपल में वो 1959 और आई मेरा क्या हुआ 1950 और 1959 तक जो भी हमारे नंबर जो भी हमारा ईयर होगा और इसी उस ईयर की मूवीज़ की डिटेल वो सारी क्या होगी, अपेंड हो जाएगी डेक 10 जो हमारा मूवी डेक नाम की जो अभी हमने खाली डिक्शनरी बनाई थी और उसकी जो की थी उस की पर। तो यहाँ पर एक लूप और चल रहा है, फॉर वी इन मूवी एक्स यानी जो हमारा टास्क 2 का सलूशन था एक्स, उसमें क्या था, जो हमारी की वैल्यू थी वो एक लिस्ट के फॉर्म में थी, तो यानी हम लिस्ट को पूरा अपेंड नहीं करा सकते, इसलिए मैंने लिस्ट पर भी लूप चलाया। तो जब ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी ये ऊपर वाली, तो क्या होगा, हमारी लिस्ट पर लूप चलेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये जो हम मूवी डेक यानी जो आई है जो हमारा फर्स्ट डिकेट होगा उसके अंदर सारी मूवीज़ की डिटेल अपेंड होती जाएगी, और आखिरी में मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया। तो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी ये प्रिंट हो जाएगा थोड़ी देर में, ये देखिए ये हमारे, अब हमने डिकेट के अकॉर्डिंग क्या किया, सारी मूवीज़ की डिटेल निकाल ली है। 1950 में क्या है, एक लिस्ट बनी और उस लिस्ट के अंदर सारी मूवीज़ की डिटेल है। तो हमारे IMDB की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 12वीं पोजीशन पे जो मूवी है उसका नाम है पाथर पांचाली, और ईयर कौन सा, 1950 में मूवी बनी है, और उसकी रेटिंग और उसका URL पूरा। उसके बाद अगली मूवी की पोजीशन है IMDB में 25 नंबर की, और उसका नाम क्या है, अपूर संसार, और उसका ईयर है 1959। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने डिकेट्स की सारी मूवीज़ की डिटेल निकाली। थैंक यू फ्रेंड्स।